लद्दाख की खूबसूरती हो या कर्नाटका का कल्चर, और बिहार की बहार हो या गोवा की तड़क भड़क, दिल्ली का दिल हो या मुंबई मेरी जान, लास्ट 100 ईयर्स से ज्यादा से सिनेमा और टीवी पूरे भारत की कहानी कहती आई है। पर आपने नोटिस किया है कि सिनेमा और टीवी की दुनिया भी एक रीजन को इग्नोर करती रही है, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नमस्कार, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय। मेस्मराइजिंग ब्यूटी है, यूनिक कल्चर है और एक से बढ़कर एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में छिपी हुई अद्भुत कहानियां हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो अब तक बॉलीवुड या फिर सिल्वर स्क्रीन से दूर रखा गया है, बट अब कहानी बदल रही है। अब कहानी में नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे सेंटर में आ रहा है। आज मैं उस माया नगरी की बात करने आई हूँ जिसे अब नॉर्थ ईस्ट का रास्ता दिख गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐसे ही खासियतों और उसकी पॉजिटिव स्टोरीज को हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, इसीलिए स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप टीवी सीरियल के दीवाने हैं तो अब तक नीमा ने आपके टीवी पर अपना जलवा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का दर्द बिखेर दिया होगा। नीमा डेंजोंगपा सिक्किम की लड़की की कहानी है जो नॉर्थ ईस्ट से निकलकर मुंबई जाती हैं, तो वहां वो विदेशी और चिंकी बन जाती हैं और रेसिज्म का सच टीवी सीरियल के जरिए घर घर तक पहुंच जाता है। हिंदी सीरियल्स की दुनिया में नॉर्थ ईस्ट का सच और दर्द बताने की शायद ये पहली कोशिश है, पर आजकल वेब सीरीज का जमाना है और वहां भी नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज, एक्टर और कहानियां धूम मचा रही हैं। द लास्ट आर को किसने मिस किया होगा और किसने वो सीरीज देखने के बाद गूगल पर सर्च नहीं किया होगा कि सचमुच झाकरी होते हैं और वो लास्ट आवर वाली बात सच है। सिक्किम में झाकरी कम्युनिटी और उसकी बिलीफ को थीम लेकर नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई द लास्ट आवर ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। और सिर्फ ये क्यों? क्या आप द फैमिली मैन के थर्ड सीजन का वेट नहीं कर रहे हैं? मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, और इसके पीछे रीजन है पार्ट टू की एंडिंग। मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन पार्ट टू की एंडिंग अगर पार्ट थ्री की हिंट है तो तैयार हो जाइए ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे सक्सेसफुल वेब सीरीज में एक में नॉर्थ ईस्ट की कहानी देखने को। मे बी स्टोरी चाइना को कनेक्ट करती हो, बट बात तो नॉर्थ ईस्ट से ही गुजरेगी। फिल्मों की दुनिया में भी नॉर्थ ईस्ट अपनी पहचान छोड़ने को रेडी है। 2022 में वरुण धवन की भेदिया जब पूरा देश देख रहा होगा तो आई एम श्योर कि सब यही कहेंगे, अरुणाचल इज वाओ। इंडिया के सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में शूट हो रही और नॉर्थ ईस्टर्न कलाकारों से सजी फिल्म हर दर्शक को 2.5 घंटे तक नॉर्थ ईस्ट के सम्मोहन में रखेगी। इससे पहले भी अपने कल्चर और क्विजीन के साथ दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ प्रॉब्लम और रेसिज्म को बेजोड़ तरीके से अखुनी मूवी भी लोगों के सामने रखी जा चुकी है, और 72 आवर्स जैसी फिल्म और द गार्डियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेब सीरीज उस साहस की कहानी बता चुकी है जिसमें हमारे जांबाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बहुत बड़ा कैनवस है जो अनएक्सप्लोर्ड है और शायद इग्नोर्ड भी। आसाम या मणिपुर में फिल्में बनती हैं, मेघालय, बोडोलैंड, त्रिपुरा में एक से बढ़कर एक म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, पर मेनस्ट्रीम सिनेमा या टीवी का फोकस इस पैराडाइज पर पूरा पड़ा नहीं है। कुछ फिल्में हैं जो पहले नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई, पर मैं मानती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसी हजारों कहानियां छिपी हैं जिसे कहा और दिखाया जाए तो लोग हैरान रह जाएंगे और उसकी खूबसूरती से सरप्राइज हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ के कलाकार भी हैं। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि यहाँ एक लड़की कैमरा घुमा दे तो आसाम की विलेज रॉकस्टार ऑस्कर तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज छिपी हुई हैं इस मोस्ट डाइवर्स रीजन में। तो आप भी टीवी, फिल्म और मोबाइल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन कहानियों को देखिए, उसे प्रमोट कीजिए। कहते भी हैं कि सिनेमा सोसाइटी का मिरर होता है, तो क्या पता इस रास्ते से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर और वहां के लोगों को पूरा देश अपना समझे, ना कि उन्हें विदेशी पुकारे। नमस्कार।